अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे बेचारी दूरी अदन तो बहुत ही मासूम और सीधी सादी है, हर किसी की बातों में आ जाती है, जिसके बाद दूरे अदन की सास जो है वो उसको लेके शहर चली जाएगी। वो यही समझ रही है दूरे अदन शायद उसका चेकअप करवाने के लिए उसकी सास को लेके गई है, लेकिन दूरे अदन की सास यानी तबरेज की वालदा तो उसके साथ कुछ और ही खेल खेल रही हैं। जब तबरेज को मालूम होता है कि दूरे अदन यहाँ पर आई हुई, तबरेज एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, जिसके बाद तबरेज कहता है कि दूरे अदन तुम यहाँ पर कैसे आ, अगर आ ही रही थी तो कम से कम एक दफा मुझे फोन करके पूछ तो लेती। ये बात सुन के दूरे अदन यही कहेगी तबरेज से कि मैं क्या करती, डॉक्टर ने कहा था कि कहीं बड़े शहर में जाके चेकअप करवाएं वरना हमारे बच्चे को खतरा है। ये बात सुन के दूरे अदन की तबरेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सुंबुल और उसके वालिद जो है वो तबरेज की वालदा के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके बाद तबरेज के वालिद फोन करता है, वो यही कहते हैं कि चेकअप हो गया, जिसके बाद तबरेज की वालदा झूठ बोल देंगे कि हाँ चेकअप हो रहा है। यानी तबरेज की वालदा मिली हुई है और सुंबुल के वालिद से बहुत भारी रकम लेंगी, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगी, या तो वो तबरेज का बच्चा यानी दूरे अदन की जो दूरे अदन माँ बन गई है उसके बच्चे को ज़ाया करवा देगी, या फिर हो सकता है कि उसको कोई ना कोई रिलेशनशिप में मुश्किल पैदा कर दे। यानी तबरेज की वालदा बहुत ज़्यादा चलाक है और पैसे के लिए वो बिक गई हैं, अपनी बहू का बिन देख रही, जिसके बाद सुंबुल यही कहती है अपने वालिद से इनको पैसे दे और दे जाके इनकी जान छुड़ाएं, जिसके बाद सुंबुल के वालिद उन तबरेज की वालदा को जब पैसे देंगे तो वो यही कहेंगे पैसे कम हैं, क्योंकि जितना बड़ा मैंने काम किया है उसके लिहाज से पैसे बिल्कुल भी बराबर के नहीं है। यानी बहुत ही लालची औरत है, जबकि बेचारी दूरे अदन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई है। वो तबरेज के लिए मोहब्बत करती है, लेकिन तबरेज को और सुंबुल को जब भी एक साथ देख रही है उस बेचारे के दिल पे बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हुई हुई है, उसकी बेचारी का दिल बहुत दुख और परेशानियों में है, जिसके बाद तबरेज भी मजबूर और बेबस है। तबरेज को तो इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा के वहाँ भेज देंगे और पीछे दूरे अदन अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जाएगी और हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए, जिसकी वजह से दूरे अदन या तो अपना बच्चा खो देगी या फिर कुछ ना कुछ उसकी सास के साथ ऐसा करवा देगी कि वो तबरेज की ज़िंदगी से दूर चली जाए, क्योंकि उसने सुंबुल और उसके वालिद से काफ़ी भारी रकम पैसे लिए हैं, इसी वजह से कोई इसको ये डील उसके काम करना ही पड़ेगा। यानी ड्रामा से कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको नाज़रीन ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे बेचारी दूरे अदन तो बहुत ही मासूम और सीधी सादी है, हर किसी की बातों में आ जाती है, जिसके बाद दूरे अदन की सास जो है वो उसको लेके शहर चली जाएगी। वो यही समझ रही है दूरे अदन शायद उसका चेकअप करवाने के लिए उसकी सास को लेके गई है, लेकिन दूरे अदन की सास यानी तबरेज की वालदा तो उसके साथ कुछ और ही खेल खेल रही हैं। जब तबरेज को मालूम होता है कि दूरे अदन यहाँ पर आई हुई, तबरेज एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, जिसके बाद तबरेज कहता है कि दूरे अदन तुम यहाँ पर कैसे आ, अगर आ ही रही थी तो कम से कम एक दफा मुझे फोन करके पूछ तो लेती। ये बात सुन के दूरे अदन यही कहेगी तबरेज से कि मैं क्या करती, डॉक्टर ने कहा था कि कहीं बड़े शहर में जाके चेकअप करवाएं वरना हमारे बच्चे को खतरा है। ये बात सुन के दूरे अदन की तबरेज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सुंबुल और उसके वालिद जो है वो तबरेज की वालदा के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके बाद तबरेज के वालिद फ़ोन करता है, वो यही कहते हैं कि चेकअप हो गया, जिसके बाद तबरेज की वालदा झूठ बोल देंगे कि हाँ चेकअप हो रहा है।
यानी तबरेज की वालदा मिली हुई है और सुंबल के वालिद से बहुत भारी रकम लेंगी, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगी, या तो वो तबरेज का बच्चा यानी दुर्योधन की जो दुर्योधन माँ बन गई है उसके बच्चे को ज़ाया करवा देगी, या फिर हो सकता है कि उसको कोई ना कोई रिलेशनशिप में मुश्किल पैदा कर दे। यानी तबरेज की वालदा बहुत ज़्यादा चलाक है और पैसे के लिए वो बिक गई हैं, अपनी बहू का बिन देख रही, जिसके बाद सुंबल यही कहती है अपने वालिद से इनको पैसे दे और दे जाके इनकी जान छुड़ाएं, जिसके बाद सुंबल के वालिद उन तबरेज की वालदा को जब पैसे देंगे तो वो यही कहेंगे पैसे कम हैं, क्योंकि जितना बड़ा मैंने काम किया है उसके लिहाज से पैसे बिल्कुल भी बराबर के नहीं है। यानी बहुत ही लालची औरत है, जबकि बेचारी दुर्योधन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई है। वो तबरेज की इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन तबरेज को और सुंबल को जब भी एक साथ देख रही है उस बेचारे के दिल पे बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हुई है, उसकी बेचारी का दिल बहुत दुख और परेशानियों में है, जिसके बाद तबरेज भी मजबूर और बेबस है। तबरेज को तो इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा के वहाँ भेज देंगे और पीछे दुर्योधन अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जाएगी और हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से दुर्योधन या तो अपना बच्चा खो देगी या फिर कुछ ना कुछ उसकी सास के साथ ऐसा करवा देगी कि वो तबरेज की ज़िंदगी से दूर चली जाए, क्योंकि उसने सुंबल और उसके वालिद से काफ़ी भारी रकम पैसे लिए हैं, इसी वजह से कोई इसको ये डील उसके काम करना ही पड़ेगा। यानी ड्रामा से कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको नाज़रीन ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे बेचारी दुर्योधन तो बहुत ही मासूम और सीधी सादी है, हर किसी की बातों में आ जाती है, जिसके बाद दुर्योधन की सास जो है वो उसको लेके शहर चली जाएगी। वो यही समझ रही है दुर्योधन शायद उसका चेकअप करवाने के लिए उसकी सास को लेके गई है, लेकिन दुर्योधन की सास यानी तबरेज की वालदा तो उसके साथ कुछ और ही खेल खेल रही हैं। जब तबरेज को मालूम होता है कि दुर्योधन यहाँ पर आई हुई, तबरेज एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, जिसके बाद तबरेज कहते हैं कि दुर्योधन तुम यहाँ पर कैसे अगर आ ही रही थी तो कम से कम एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके पूछ तो लेती। ये बात सुन के दुर्योधन यही कहेगी तबरेज से कि मैं क्या करती, डॉक्टर ने कहा था कि कहीं बड़े शहर में जाके चेकअप करवाए वरना हमारे बच्चे को ख़तरा है। ये बात सुन के दुर्योधन की तबरेज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ सुंबल और उसके वालिद जो है वो तबरेज की वालदा के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके बाद तबरेज के वालिद जो फ़ोन करता है वो यही कहते हैं कि चेकअप हो गया, जिसके बाद तबरेज की वालदा झूठ बोल देंगे कि हाँ चेकअप हो रहा है। यानी तबरेज की वालदा मिली हुई है और सुंबल के वालिद से बहुत भारी रकम लेंगी, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगी, या तो वो तबरेज का बच्चा यानी दुर्योधन की जो दुर्योधन माँ बन गई है उसके बच्चे को ज़ाया करवा देगी, या फिर हो सकता है कि उसको कोई ना कोई रिलेशनशिप में मुश्किल पैदा कर दे। यानी तबरेज की वालदा बहुत ज़्यादा चलाक है और पैसे के लिए वो बिक गई हैं, अपनी बहू का बिन देख रही, जिसके बाद सुंबल यही कहती है अपने वालिद से इनको पैसे दे और दे जाके इनकी जान छुड़ाएं, जिसके बाद सुंबल के वालिद उन तबरेज की वालदा को जब पैसे देंगे तो वो यही कहेंगे पैसे कम हैं, क्योंकि जितना बड़ा मैंने काम किया है उसके लिहाज से पैसे बिल्कुल भी बराबर के नहीं है। यानी बहुत ही लालची औरत है, जबकि बेचारी दुर्योधन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई है। वो तबरेज की इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन तबरेज को और सुंबल को जब भी एक साथ देख रही है उस बेचारे के दिल पे बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हुई है, उसकी बेचारी का दिल बहुत दुख और परेशानियों में है, जिसके बाद तबरेज भी मजबूर और बेबस है। तबरेज को तो इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा के वहाँ भेज देंगे और पीछे दुर्योधन अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जाएगी और हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए, जिसकी वजह से दुर्योधन या तो अपना बच्चा खो देगी या फिर कुछ ना कुछ उसकी सास के साथ ऐसा करवा देगी कि वो तबरेज की ज़िंदगी से दूर चली जाए, क्योंकि उसने सुंबल और उसके वालिद से काफ़ी भारी रकम पैसे लिए हैं, इसी वजह से कोई इसको ये डील उसके काम करना ही पड़ेगा। यानी ड्रामा से कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको नाज़रीन ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज मैं आपको ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे बेचारी दूरी आदन तो बहुत ही मासूम और सीधी सादी है, हर किसी की बातों में आ जाती है, जिसके बाद दूरे अदन की सास जो है वो उसको लेके शहर चली जाएगी। वो यही समझ रही है दूरे अदन शायद उसका चेकअप करवाने के लिए उसकी सास को लेके गई है, लेकिन दूरे अदन की सास यानी तबरेज की वालदा तो उसके साथ कुछ और ही खेल खेल रही हैं। जब तबरेज को मालूम होता है कि दूरे अदन यहाँ पर आई हुई है, तबरेज एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, जिसके बाद तबरेज कहता है कि दूरे अदन तुम यहाँ पर कैसे अगर आ ही रही थी तो कम से कम एक दफा मुझे फोन करके पूछ तो लेती। ये बात सुन के दुर्योधन यही कहेगी तबरेज से कि मैं क्या करती, डॉक्टर ने कहा था कि कहीं बड़े शहर में जाके चेकअप करवाए वरना हमारे बच्चे को खतरा है। ये बात सुन के दुर्योधन की तबरेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ सुंबल और उसके वालिद जो है वो तबरेज की वालदा के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके बाद तबरेज की वालदा फोन करता है, वो यही कहते हैं कि चेकअप हो गया, जिसके बाद तबरेज की वालदा झूठ बोल देंगे कि हाँ चेकअप हो रहा है, यानी तबरेज की वालदा मिली हुई है और सुंबल के वाले से बहुत भारी रकम लेंगी, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगी, या तो वो तबरेज का बच्चा यानी दुर्योधन की जो दुर्योधन माँ बन गई है उसके बच्चे को ज़ाया करवा देगी, या फिर हो सकता है कि उसको कोई ना कोई रिलेशनशिप में मुश्किल पैदा कर दे। यानी तबरेज की वालदा बहुत ज़्यादा चलाक है और पैसे के लिए वो बिक गई हैं, अपनी बहू का बिन देख रही, जिसके बाद सुंबल यही कहती है अपने वाले से इनको पैसे दे और दे जाके इनकी जान छुड़ाएं, जिसके बाद सुंबल के वालिद उन तबरेज की वालदा को जब पैसे देंगे तो वो यही कहेंगे पैसे कम हैं, क्योंकि जितना बड़ा मैंने काम किया है उसके लिहाज से पैसे बिल्कुल भी बराबर के नहीं है। यानी बहुत ही लालची औरत है, जबकि बेचारी दुर्योधन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई है। वो तबरेज की इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन तबरेज को और सुंबल को जब भी एक साथ देख रही है उस बेचारे के दिल पर बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हुई हुई है, उसकी बेचारी का दिल बहुत दुख और परेशानियों में है, जिसके बाद तबरेज भी मजबूर और बेबस है। तबरेज को तो इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा के वहाँ भेज देंगे और पीछे दुर्योधन अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जाएगी और हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए, जिसकी वजह से दुर्योधन या तो अपना बच्चा खो देगी या फिर कुछ ना कुछ उसकी सास के साथ ऐसा करवा देगी कि वो तबरेज की ज़िंदगी से दूर चली जाए, क्योंकि उसने सुंबल और उसके वालिद से काफ़ी भारी रकम पैसे लिए हैं, इसी वजह से कोई इसको ये डील उसके काम करना ही पड़ेगा। यानी ड्रामा से कलंदर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको नाज़रीन ड्रामा से कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी कीमती राय इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।